तो दोस्तों काफ़ी दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 4500 नए ई ऑटो परमिट जारी करेगी। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। तो दोस्तों उसमें ये जानकारी निकल के आई थी कि ये सितंबर के अंत तक ये परमिट जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये परमिट जारी नहीं हुए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए उसी पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे एक छोटा सा कारण तो यह भी है दोस्तों कि अभी पंजाब में और यूपी और गोवा में ये जो चुनाव आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो अभी सरकार थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे रही है दोस्तों, आप इस चीज़ को ना समझें। दिल्ली में इसके पीछे काफ़ी काम चल रहा है, ये जो ई ऑटो रिक्शा आने वाले हैं इसके पीछे सरकार काफ़ी कदम उठा रही है और क्या क्या तैयारियाँ कर रही है इसकी सारी जानकारी हमने निकाली है और वही आपके सामने हम देंगे। और ये अब हो सकता है कितने दिनों में ये आ जाएं इसकी जानकारी हम देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ई ऑटो परमिट दिल्ली सरकार जारी करने जा रही है, इसके पीछे जारी करने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का कारण सिर्फ आपको मैंने बता दिया था दोस्तों, सिर्फ पॉल्यूशन है। दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि पॉल्यूशन की वजह से सरकार गिरने का खतरा भी हो जाता है। दोस्तों अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली सरकार ये ई ऑटो जारी कर रही है, और ई ऑटो ही नहीं जारी कर रही है, इससे पहले भी दोस्तों सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे कि पब्लिक गाड़ियों को छोड़ के प्राइवेट गाड़ियां भी इसमें आने लगी हैं, जैसे कि आपकी टू व्हीलर हो गया, बाइक हो गई और पर्सनल गाड़ियां जैसे कार हो गई। तो दोस्तों अब तक दिल्ली में जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो 17,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जो बैटरी से चलती हैं, यानी कि वो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करती। और दोस्तों दिल्ली सरकार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ले जाना चाहती है, इसके लिए सरकार लोन सब्सिडी और लोगों को जागरूक भी कर रही है, पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान भी चला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग हैं वो ये ई व्हीकल को खरीदें, जिससे कि दिल्ली के पॉल्यूशन को संभाला जा सके। और प्राइवेट तो ये हो गया दोस्तों, कमर्शियल गाड़ियों में दोस्तों जैसे हमारा ऑटो रिक्शा हो गया या फिर ई रिक्शा हो गया, और अब तो दिल्ली सरकार ने क्लस्टर बसों के लिए भी एक आदेश दिया है कि क्लस्टर बसों को भी बैटरी ऑपरेटेड बनाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने घोषणा कर दी है और आने वाले समय में बैटरी से आप ये गाड़ियां भी चलती हुई देखेंगे। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये हमारे देश में बिल्कुल नया नया आया है अभी, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया हो, इससे पहले भी आप अगर दिल्ली में करीब 25-30 साल पहले से अगर दिल्ली में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में पहले भी बसें चलती थीं जो बैटरी से चलती थीं, लेकिन वो कुछ गिनती की एक या दो बसें ही हुआ करती थीं, लेकिन अब उस समय पॉल्यूशन भी नहीं था इतना, लेकिन वो तो बस ऐसे ही चलती थी कुछ, लेकिन अब पॉल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा हो गया है, अब इनको ई व्हीकल को चलाना एक दिल्ली सरकार की मजबूरी बन गई है। और दोस्तों ये दिल्ली सरकार अब इस पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने ये जो बैटरी वाली गाड़ियां जो लाने की बात कही है, अब ये जल्दी ही आने वाली हैं ई ऑटो परमिट, लेकिन इससे पहले सरकार इन सब के पीछे कुछ समस्या ना आए इसके लिए काम कर रही है। वो समस्याएं दोस्तों इसमें किस प्रकार की आती हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो कुछ किलोमीटर जैसे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलने के बाद या तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल की है जैसे कि पेट्रोल हो गया, CNG हो गई या फिर अन्य किसी डीजल या फिर और किसी फ्यूल की है, तो आप उसे तुरंत जाके पेट्रोल पंप पे भरवा सकते हैं, मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपकी गाड़ी रिफ्यूल हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग वाली गाड़ियाँ जो होती हैं ई व्हीकल, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप ये जो सरकारी चार्जिंग स्टेशन होते हैं दोस्तों, इसमें ये हाई वोल्टेज चार्जिंग स्टेशन होते हैं और ये बिल्कुल फास्ट चार्ज करते हैं, जिसमें कि अगर कम से कम भी हम समय आपको बताएं तो कम से कम 1 से 1.25 घंटा इसमें चार्जिंग में लगता ही लगता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए 1 से 1.25 घंटे तक अगर गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी रहेगी और आने वाली गाड़ियाँ उसके पीछे खड़ी हो जाएंगी तो कितना जाम लग जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की समस्याएं इस ई व्हीकल में आने वाली हैं, तो इसी से सरकार जूझने के लिए तैयार हो चुकी है और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है और इस पर एक फैसला लिया है कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो इसी पर काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। चलिए हम जानते हैं ये क्या क्या काम कर रही है दिल्ली सरकार। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के जितने भी DTC के बस डिपो हैं, जैसे कि द्वारिका हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, कालकाजी हो गया, ओखला हो गया, इसी प्रकार के अन्य DTC बस डिपो के अंदर
एक अलग से सेपरेट ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें 6 पॉइंट होंगे दोस्तों। 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट होंगे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए, और 3 पॉइंट होंगे कार के लिए या फिर और कोई व्हीकल है उसके लिए। तो दोस्तों वहाँ पे डीटीसी डिपो में आपने देखा होगा काफ़ी जगह होती है, वहाँ पे आप अगर एक घंटे गाड़ी लगा के चार्ज करते हैं तो वहाँ पे इतना जाम नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ, एक जो बैटरियाँ बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं उनसे भी दिल्ली सरकार ने अपनी बातचीत कर ली है। उनसे क्या बातचीत करी है कि जैसे कि मान लो अगर चार्जिंग स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और चार्जिंग होने में टाइम लग रहा है, तो दोस्तों ऐसे में ड्राइवरों के पास एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन ये होगा कि बैटरी स्वैप कर सकते हैं। अब ये बैटरी स्वैप क्या है, इसके बारे में हम आइए बताते हैं आपको। बैटरी स्वैप दोस्तों वो चीज़ होती है, जैसे कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर गए और वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और चार्जिंग में टाइम लगेगा तो इतना समय आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी की बैटरी निकाल के वहाँ पे कंपनी को देंगे और कंपनी दूसरी बैटरी आपकी गाड़ी में फिट कर देगी। वो आपसे डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी जिससे कि पहचान रहे कि हाँ आपने ये गाड़ी की बैटरी यहाँ से लगवाई है। जब आप उस स्टेशन पर दोबारा जाएंगे तो आप उनकी बैटरी वापस कर देंगे और अपनी बैटरी दोबारा से लगवा सकेंगे। तो ये होता है दोस्तों बैटरी स्वैपिंग का। तो डीटीसी डिपो के अलावा दिल्ली सरकार 100 सार्वजनिक स्थानों पर भी इस तरह के चार्जिंग स्टेशन लगाएगी जो फास्ट चार्जिंग। आप जानते हैं दोस्तों ई रिक्शा जब से आया है तब से इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है दिल्ली सरकार, लेकिन ई रिक्शा एक छोटा सा व्हीकल है दोस्तों और इनका सिस्टम ही बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मान लो ई रिक्शा है, किसी के पास किसी 10 ले लिए, किसी ने 15 ले लिए, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिनके पास स्पेस खाली होता है वो पार्किंग बना देते हैं। पार्किंग बनाने के बाद वहाँ पे एक अपना चार्जिंग पॉइंट लगा देते हैं, जिससे कि ई रिक्शा वाले वहाँ पे जाके रात को अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं और गाड़ी लगाने के बाद वो जो मालिक होता है उनको सभी गाड़ियों को चार्जिंग पे लगा देता है और सुबह जो ड्राइवर होता है गाड़ी लेके आता है तो उनको चार्जिंग फुल मिलती है। तो दोस्तों उनका तो काम चल जाता है, लेकिन ऑटो रिक्शा के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए दोस्तों, और ऐसी कोई जगह स्पेस इतना किसी के पास है नहीं, और आने वाले समय में लोग ऐसा कर सकते हैं, अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है बनाने का पूरा निर्णय कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ये चार्जिंग स्टेशन पहले बनाना चाहती है, वो उसका कारण ये है दोस्तों, अगर ई परमिट पहले जारी कर दिए और ड्राइवर भाई जब चार्जिंग के लिए अपने किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे तो पहली बात तो ये चार्जिंग स्टेशन गिनती के होंगे एक या दो। तो आपने देखा होगा पहले जब CNG नई नई आई थी तो आपने देखा था कि रात को लोग CNG की लाइन में लग जाते थे, सुबह 2 या 3, 4 बजे तक उनका नंबर आता था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपस में ड्राइवर भाइयों में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, एक दूसरे से मार पिटाई भी हो जाती थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि भीड़ ना लगे, जैसा कि पहले CNG में हुआ था, लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, तो सरकार ने अब ये फैसला लिया कि पहले कुछ इतने स्टेशन बना दिए जाएँ जितनी कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं कि इनको आराम से रिचार्ज करा जा सके। दोस्तों ये जो रिचार्ज पॉइंट बन रहे हैं इसमें आपको एक ऐप भी बनाया जाएगा, सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के हिंट दिए गए हैं कि इसकी आपको रियल टाइम लोकेशन आपको पता लग जाएगी। आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं हमारे नियर बाय कौन सा चार्जिंग स्टेशन है और वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आएगा। अगर चार्जिंग की वजह से अगर ये जो सरकार ई ऑटो परमिट निकालने जा रही है ये अगर फेल हो जाता है तो विरोधी पार्टियाँ इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा कर देंगी और इनकी जो ये नीति बनाई है इसको फेल करार दे देंगी और कहेंगी इन्होंने सही से पहले इसको तैयार नहीं किया और एकदम से ये ई ऑटो परमिट जारी कर दिया, अब ड्राइवर को परेशानी हो रही है, इसको वापस लिया जाए या फिर कुछ और इसी तरीके की विरोधी पार्टी जो है सरकार को गिराने की कोशिश करेंगी। तो दिल्ली सरकार पहले से ये सारे काम करना चाहती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो ई ऑटो परमिट है सितंबर में आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश ये लेट हो रहे हैं। मैंने आपको रीजन, कई प्रकार के रीजन बता दिए हैं, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि हो सकता है ये जल्द से जल्द आ जाए। अभी कुछ समय पिछले 2 दिन पहले ही अभी कैलाश गहलोत जी की कुछ महिला ड्राइवरों से मीटिंग भी हुई थी, उसमें कुछ चर्चाएँ भी हुई थी, तो इसी प्रकार चर्चा होते होते अब ये जल्दी ही काम होने वाला है और ये जल्दी ही ऑटो के परमिट जारी हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।